हाय, गुड मॉर्निंग गाइस। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। पहले तो आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये मेरा पहला व्लॉग है और आप लोग को थंबनेल से तो पता चल गया होगा कि मैं आप लोगों के बीच क्या शेयर करना चाह रहा हूँ। एक्चुअली हम लोग पूजा में कहीं जा रहे थे, क्या बेहतरीन रास्ते में हमारे गाड़ी, जो कि आप लोग को थंबनेल में पता चल गया होगा, स्कॉर्पियो की टायर ब्लास्ट कर गई। जनरली आप लोग जानते हो कि ट्यूबलेस टायर्स में आप पंक्चर में भी या कुछ भी डैमेज होता है तो कुछ दूर आप चल सकते हैं, पर यहाँ पे गाड़ी तुरंत ही बैठ गई क्योंकि हमारा टायर ब्लास्ट। तो फिर आगे क्या हुआ, कैसे हुआ, वो मैं आप लोगों के साथ। हाँ तो गाइस, जैसे मैंने आपको लोगों को बताया कि हमारी गाड़ी बैठ गई, पर ड्राइवर की सूझबूझ से गाड़ी को रोक लिया गया और हमारी जान बच गई। ये जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है, ये हमारे टायर की कंपनी से हमें रिप्लाई आया था क्योंकि हम लोगों ने कंप्लेन किया था क्योंकि टायर की एक साल की गाड़ी के साथ वारंटी मिलती है अगर कुछ डैमेज होता है, पर अगर यह मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो तो। लेकिन जब हमारी टायर गारंटी में गई, टायर इंस्पेक्टर ने इंस्पेक्ट किया तो हमें बताया कि ये सीयर कट लगा हुआ है। सीयर कट मतलब कि किसी शार्प ऑब्जेक्ट से टायर कटा है। जैसे उन लोगों ने हमें ये आउटर व्यू भेजा था रिपोर्ट के साथ, इसमें काफ़ी शार्प ऑब्जेक्ट्स फंसे हुए हैं, आउटर व्यू और इनर व्यू दोनों उन लोगों ने भेज के हमें ये बताया कि ये वारंटी के अंदर, गारंटी के अंदर कवर नहीं किया जा सकता है और हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। फिर क्योंकि गाड़ी सिर्फ 27,000 किलोमीटर चली थी और जनरली 60,000 से 70,000 किलोमीटर चलती है एक टायर, तो फिर हम लोगों ने थोड़ा सोशल मीडिया का सहारा लिया, उनके ऑफिसर से बात करी और फिर से वो लोगों ने री इंस्पेक्ट करके और कॉमर्शियल बेसिस पे हमें 50% का डिस्काउंट, जो कि 6,398 रुपये में हमें नए टायर उपलब्ध करवाए। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल गाइज, दिस इज़ माई फर्स्ट ब्लॉग। टिल देन बाय, टेक केयर।